हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस में स्वागत करता हूं। साथियों मेरे, मैं लेकर उपस्थित हूं एक नया वीडियो। आज का वीडियो हमारा है आरएएस भर्ती 2021 से संबंधित, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2021 की भर्ती से संबंधित वीडियो है। साथियों मेरे, आरपीएससी द्वारा आयोजित ये परीक्षा जो कि 3 साल बाद 2018 में ये हुई थी, 2021 में इसका फाइनल रिजल्ट आया, उसके बाद 2021 में इसका नोटिस फिर से आया है। यह परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथियों मेरे, आज के हमारे इस वीडियो में हम आरएएस भर्ती 2021 के नोटिफिकेशन से संबंधित पोस्ट यानी कि पद कितने हैं, एज लिमिट समय सीमा सॉरी आयु सीमा क्या है, तीसरी चीज ऑनलाइन फॉरम डेट, ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता आरएएस एग्जाम के लिए क्या क्या चाहिए, एप्लीकेशन फीस जो आपकी परीक्षा है उसका शुल्क कितना है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा इन सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और यदि आप सारे वीडियो जी यानी कि इसकी सिलेबस क्या है, इसमें चयन प्रक्रिया में मेंस एग्जाम में क्या आता है, प्री एग्जाम में क्या आता है, तो इसके लिए आप इससे पहले के जो इस प्लेलिस्ट में वीडियोज है वो देख सकते हैं। आपको व्हाट इज आरएएस, आरएएस क्या होता है, इससे संबंधित सब कुछ मिलेगा। साथियों मेरे, बेरोजगार युवाओं के लिए जो कि आरएएस अधिकारी बनने का सपना देख रहे थे, उनको आरपीएससी ने दिया नई भर्ती का तोहफा। साथियों नई भर्ती का तोहफा राजस्थान राज्य अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के रूप में दिया गया है। आरपीएससी द्वारा आरएएस भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। साथियों बात की जाए तो कुल पदों के लिए, तो यह जो भर्ती परीक्षा है यह 988 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। कितने पद? 988 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। आरएएस भर्ती 2021 आरएएस आरटीएस आरपीएस इन सभी के लिए 988 पद सृजित किए गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा, आरपीएससी द्वारा। आरपीएससी एक बॉडी है जो कि यह एग्जाम कंडक्ट करवाती है। साथियों आरएएस जो भर्ती है, आरएएस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वह तिथि है 28 जुलाई 2021 से 27 अगस्त 2021 तक। 28 जुलाई 2021 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 27 अगस्त 2021 तक चलेगी। तो आप जो भी आवेदन करता है वह 28 जुलाई 2021 से लेकर 27 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकता है आरएएस के लिए। साथियों नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एज लिमिट आयु सीमा की। तो आयु सीमा न्यूनतम है 21 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष, मिनिमम 21 ईयर मैक्सिमम 40 ईयर्स। जो भी अराजपत्रित कर्मचारी है उनके लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और अधिकतम है 45 वर्ष। न्यूनतम यानी कि मिनिमम है 25 ईयर्स, मैक्सिमम है 45 ईयर्स। किन के लिए? जो कि कर्मचारी है गवर्नमेंट जॉब में। साथियों यहां पर दो चीजें हैं, सभी के लिए जो भी एग्जाम देना चाहता है उसके लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, अधिकतम है 40 वर्ष। जो गवर्नमेंट जॉब में है ऑलरेडी उनके लिए न्यूनतम है 25 वर्ष, मैक्सिमम अधिकतम है 45 वर्ष। नोट साथियों, जो आयु सीमा है, आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। और जो आरक्षित वर्ग हैं एससी एसटी ओबीसी, उनको नियमानुसार सरकार द्वारा जो छूट दी गई है 5 साल 3 साल, वे सारी छूट दी जाएंगी। नेक्स्ट बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, शैक्षणिक योग्यता की। तो आरएएस एग्जाम में बैठने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट यानी कि स्नातक होना चाहिए। साथियों इसके अलावा जो अंतिम वर्ष फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वह भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, परंतु उसे आरपीएससी द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पहले शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी मुख्य परीक्षा मेन एग्जामिनेशन से पहले। नेक्स्ट बात की जाए एप्लीकेशन फीस की,
कि परीक्षा के लिए शुल्क क्या लगेगा। यह मोटा बहुत बड़ी बात है कि शुल्क क्या लगेगा। तो सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और राजस्थान के क्रीमी लेयर जो श्रेणी है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एसबीसी आवेदक के लिए ₹350। मतलब जनरल कैटेगरी, क्रीमी लेयर ओबीसी और एसबीसी के लिए ₹350, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी, एसबीसी और ईडब्ल्यूएस के आवेदक के लिए ₹250। समस्त निःशक्त जन, राजस्थान की अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब तथा जिनकी पारिवारिक आय ₹2,50,000 से कम है उन आवेदकों के लिए ₹150, ₹150। और टीएसपी क्षेत्र के एससी एसटी एवं बारा जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के आवेदकों के लिए ₹150। यानी कि यहां पर फीस की कैटेगरी 3 भागों में डिवाइड की गई है, जो कि जनरल कैटेगरी, क्रीमी लेयर ओबीसी एसबीसी के लिए ₹350, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एसबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹250, एससी एसटी निःशक्त जन यानी कि हैंडीकैप और जिनकी आय ₹2,50,000 से कम है उन सभी के लिए ₹150 आवेदन शुल्क रखा गया है आरपीएससी के द्वारा आरएएस एग्जाम के लिए। साथियों बात की जाए इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका 3 चरणों में होता है। पहला चरण होता है आरएएस प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, जो कि ओनली पासिंग मार्क की होती है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के। साथियों वीडियोज देखने के लिए, यानी कि आप इनके वीडियोज कौन कौन से पार्ट्स सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियोज देख सकते हैं। दूसरा होता है आरएएस मेन एग्जाम, सेकेंड स्टेज होती है आरएएस मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा जो कि 800 मार्क्स की होती है जिसमें 4 पेपर होते हैं। और तीसरा है पर्सनल इंटरव्यू साक्षात्कार, जो कि 100 मार्क्स का होता है। तो साथियों मेरे, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया आरएएस की 3 भागों में होती है, 3 स्टेज में होती है। पहली स्टेज में प्रीलिम प्री एग्जाम्स होता है, सेकेंड स्टेज में मेंस एग्जाम, तीसरे स्टेज में पर्सनल इंटरव्यू, और इन सब के बाद फाइनल रिजल्ट आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आरएएस से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस देखें, और प्लेलिस्ट को देखने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको सारे वीडियोज, व्हाट इज आरएएस, आरएएस क्या है, आरएएस कैसे बनते हैं, आरएएस के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियोज कंप्लीट देखें। अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियोज हमारे द्वारा बनाए गए हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर। और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा है और साथ ही साथ आपको ये गाड़ी चाहिए, तो इसके लिए जी जान से मेहनत में जुट जाइए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, गुड लक। और साथियों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल छोटा सा यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें। और साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और लाइक बटन पर क्लिक करने के साथ साथ जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में डालें। मैं विवेक कुमार आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तो साथियों मेरे साथ बने रहिए, और आरएएस से संबंधित नई नई जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल यू